हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रामिंग मोड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लॉजिक वाला है और काफ़ी यूज होता है हमारी जावास्क्रिप्ट में। डेट का मेथड आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने आपको सिंपल डेट का मेथड बताया था कि डेट हम किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे हम डेट के मेथड को यूज़ करके यूज़र की एज कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक तरह से होने वाला है कि हम किसी अगर मुझे किसी की भी डेट मालूम करनी है, डेट ऑफ बर्थ मालूम करनी है, तो मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ कि अपने अपने जावास्क्रिप्ट के मेथड से फाइंड कर सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं बता दूँगा, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, टू फाइल्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे सबसे पहले एक बार टुडे डेट का मेथड, टुडे डेट का वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आज की डेट में यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। पर मुझे क्या कर रहा हूँ, अब मैं वार मिली सेकेंड टुडे, मतलब मुझे डेट तो आ गई है, मुझे करना है उस डेट जो है आज की, उसका मुझे मिली सेकेंड चाहिए। तो क्या कर रहा हूँ मैं, टुडे डॉट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मुझे मैंने डेट तो मैंने मेरे पास आ चुकी, डेट आ चुकी है। मैं कर रहा हूँ मुझे टाइम चाहिए, मुझे ये देखना है कि मेरे पास टाइम कितना है, आज तक कितना टाइम मेरे पास आया। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टुडे जो मैंने एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, डॉट गेट टाइम मुझे चाहिए। मैंने गेट टाइम का मेथड कॉल करा है यहाँ से, और जितना भी टाइम होगा आज तक का वो तमाम वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी। जो टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड में आता है, याद रखिए मिली सेकेंड में हमारा टाइम स्टोर होता है, वो टुडे डेट में जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आज की डेट एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ वार डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डेट का एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, वार डेट ऑफ बर्थ का वेरिएबल। और उसमें मैं कर रहा हूँ न्यू डेट, और यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, जून 20 1998। मैंने यहाँ पे आपको इस तरह वैल्यू देनी है। यहाँ पे इसी तरह मैं करूँ बार मिली सेकेंड डी ओ बी, मतलब मुझे अभी मैंने डेट यहाँ पे डेट पे मैंने एक्सेस कर लिया, डेट की वैल्यू जो भी होगी वो डेट ऑफ बर्थ में चली जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ अब मुझे इसके मिली सेकेंड चाहिए, मतलब 1998 से आज 1998 तक के मिली सेकेंड मेरे पास आने चाहिए। मिली सेकेंड के लिए मैं मिली सेकेंड डेट ऑफ बर्थ कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मिली सेकेंड का ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, मिली सेकेंड डी ओ पी डेट और डॉट गेट टाइम। जितना भी टाइम होगा आज का वो मेरे पास आ जाएगा। ये तो मैंने 1998 तक का टाइम लिया है, और मेरे पास टुडे आज तक का टाइम, ये देखें मैंने आज तक का टाइम मिली सेकेंड टुडे में ले लिया, और 1998 का टाइम जो है वो मैंने मिली सेकेंड में डेट ऑफ बर्थ की मैंने वेरिएबल में ले लिया। अब जो है बार डिफरेंस मालूम करना है मुझे, बार डिफरेंस कैसे मालूम करूंगा, मैं एम एस टुडे मिली सेकेंड टुडे में से माइनस कर दूंगा स्मॉल टाइम, क्या होगा हमारे पास डी ओ बी डेट, ये मेरे पास जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बार इम्प्रूव डेट इम्प्रूव प्रूव नम का वेरिएबल बना रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो फोर्स लेट्स सपोज पॉइंट में आ सकती है। मैं क्या कर रहा हूँ, डेफ नहीं मैट डॉट फ्लोर का मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पास कर रहा हूँ डिफ वेरिएबल जिसमें वैल्यू आएगी। अब डॉक्यूमेंट, अब लास्ट मेथड बार एज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, इम्प्रूव नम डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24। नाउ मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24। नाउ माई एज इज स्टोर्ड इन एज वैल्यू, एज वेरिएबल में जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा रहा हूँ सिंपल,
अपनी एज को, जो भी मेरी एज होगी मैं प्रिंट हो जाए। अच्छा हम 1998 से 2020 अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरी एज कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 1998 से 22 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो हम देखते हैं, अपना सेव करते हैं इसको और अपने फाइल पर ऐड क्लिक करते हैं, रिवील देन फाइल एक्सप्लोरर पर जाते हैं और अपनी फाइल को ओपन विथ करते हैं गूगल क्रोम। सो लेट्स चेक, सो द मिली सेकेंड